नमस्कार, स्वागत है आपका पूनम वेज किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ से बने चीले। सबसे पहले हम गुड़ लेंगे, तकरीबन 200 ग्राम गुड़ है। अब गुड़ में हम डालेंगे आधा केजी पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। गुड़ को हम मेल्ट होने तक गर्म करेंगे पानी को। गुड़ जब मेल्ट होने लगेगा तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। साथ ही मैंने लिया है एक बाउल गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को हम छान लेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है और पानी को हमने ठंडा कर लिया है। अब हम इसे छान लेंगे। कुछ लोग मीठे चीले कहते हैं, कुछ लोग उसे पूड़े भी कहते हैं। गुड़ के पानी को हमने छान लिया है, आटा हमने पतीले में डाल लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे मिलाते जाएंगे। एकदम से पानी हमने नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे। एकदम से पानी डालने से आटे में हमारी गुठलियाँ बन जाएगी, इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आटे को अच्छे से मसलते जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथों की सहायता से चीले का घोल अच्छे से तैयार हो जाता है, इसीलिए मैं हाथ का यूज़ कर रही हूँ। फिर से हमने थोड़ा पानी और डाला है और एक बार फिर और मिलाएंगे इसे। गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए आटे में। कुछ देर फेंटने के बाद ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। अगर आपका गुड़ का पानी ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा मीठा आपको लगे और तवे पर चिपकने लगे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल नॉर्मल वाटर इसमें डाल सकते हैं। तवा हमारा गर्म हो गया है, हल्का सा तेल लगाने के बाद चम्मच भर के हमने इसमें चीले का घोल डाल दिया है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हम फैला देंगे। इस समय गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। आप इसे हाथ से भी फैला सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच की सहायता से फैला रही हूँ इसे। जब कलर चेंज होने लग जाए, जब हल्का हल्का तेल डालकर हम इसे पलट देंगे। कलर चेंज होने का मतलब यही है कि नीचे से सिक चुका है। अब हम इसे पलटेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो, हाई फ्लेम नहीं। हाई फ्लेम में हमारे चीले जल जाएंगे। मीठे चीले बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोग इसे खीर के साथ खाते हैं, कुछ लोग सब्जी के साथ भी खाते हैं, कुछ अचार के साथ। सब अपने अपने स्वाद के अनुसार इसे खाते हैं, लेकिन बनते बहुत स्वाद हैं ये। चीला हमारा रेडी हो गया है।
एक और चीला मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ इसी प्रोसीजर के साथ। बस डालते समय गैस की फ्लेम को लो रखना है और जब चम्मच से घोल डालो तवे पर तब बिल्कुल हल्के हाथों से इसे फैला देना है। जब ट्रांसपेरेंट हो जाए, थोड़ा कलर चेंज हो जाए, तभी इस पर हम हल्का तेल लगाकर पलट कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसे पलटेंगे। फिर से हम थोड़ा तेल लगाएंगे। तेल को हमने ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा करके ही इसे हम सेकेंगे। इसी प्रोसीजर से हम सभी चीले बनाकर तैयार कर लेंगे। चीला बनकर रेडी हो गया। सभी चीलों को ऐसे वन बाय वन करके बना लेंगे। चीले बनकर रेडी हैं, आप भी इसे बनाइए और खाइए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।